दोस्तों टोनी और अन्नू हस्बैंड वाइफ हैं, जिनकी 5 बेटियां हैं, जिनमें से पहली बेटी का नाम है जुलाई, दूसरी बेटी का नाम है अगस्त, तीसरी बेटी का नाम है सितंबर और फोर्थ बेटी का नाम है अक्टूबर और जो लास्ट बेटी है उसका नाम है नवंबर। दोस्तों टोनी और अन्नू को एक और बेबी होने वाला है, वह सोचते हैं कि अब की बार भी उन्हें बेटी ही होगी तो वह उसका नाम पहले से ही दिसंबर रखने के लिए सोच लेते हैं। लेकिन टोनी और अन्नू को इस बार बेटा हो जाता है तो वह उसका नाम जैसन रख लेते हैं। तो दोस्तों इस पहेली में आपको यही बताना है कि इन्होंने अपने बेटे का ये नाम कहाँ से रखा है, यानी कि इन्होंने जो नाम रखा है उस नाम के जो लेटर हैं वो इन्होंने कहाँ से लिए हैं। तो ध्यान से सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों टोनी और अन्नू ने जो अपने बेटे का नाम रखा है उस नाम के जो लेटर हैं वो इन्होंने अपनी 5 बेटियों के नाम से लिए हैं, यानी कि जो पहली बेटी है जैसे कि जुलाई, तो उसके नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो जे है, उस नाम से मिलाकर इन्होंने अपने बेटे का नाम जैसन रखा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों इस पहेली में आपको ये बताना है कि इन दोनों लेडी में से कौन सी लेडी क्लियर है, ए या फिर बी। अच्छे से सोचिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको इसका आंसर पता चल ही गया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ए लेडी है उसके हाथ में सिंपली एक हेयर ड्रायर है, यानी कि वह क्लियर नहीं है। और जो बी लेडी है आपने देखा होगा कि वैसे तो वो वेजिटेबल काट रही है, लेकिन उसने जो अपने हाथ में चाकू लिया हुआ है उस पर रेड रेड ब्लड लगा हुआ है, यानी कि खून लगा हुआ है। तो इसका मतलब कि इन दोनों में से क्लियर बी वाली लेडी है।